आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लगातार जारी है, पहले फेज की कल वोटिंग हुई है और हमारी जो चुनावी यात्रा है वो लगातार चल रही है। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गंगा नदी के किनारे उद्योग की महानगरी कही जाने वाले कानपुर में। कानपुर की बात अगर करी जाए तो कानपुर में अगर यहाँ के चुनावी समीकरण की बात करें तो इस वक्त हम आर्यनगर विधानसभा में हैं। आर्यनगर विधानसभा वो विधानसभा है जो कि 2017 में समाजवादी पार्टी के पाले में आई थी। कैसे आई थी? क्योंकि उस दौरान भी पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी लहर थी, लेकिन मोदी लहर के दौरान समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट आई थी क्योंकि यहां से दावेदारी कर रहे थे अमिताभ वाजपेयी। अमिताभ वाजपेयी वो नाम जो लगातार जनता के बीच जाकर के जनता की समस्याओं को सुनते हुए उनके लिए काम करते हुए नजर आए हैं। बीते 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, उसके बारे में वो बता रहे हैं और जनता कहीं ना कहीं उनसे काफी संतुष्ट भी है। कभी आवास के लिए, कभी पानी के लिए, कई सारी चीजों को लेकर के लगातार उन्होंने जनता के हित की बात की है और जनता के लिए काम किया है। अब 5 साल बाद एक बार फिर से वो आर्यनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि यहां से अगर फाइट की बात करी जाए तो फाइट बहुत अहम नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने मोदी लहर में भी अपनी सीट को जीता था और उसके बाद अभी की अगर बात करी जाए तो बीते 5 सालों में इन्होंने जो बेहतर काम किए हैं उन कामों के बल पर पे ये एक बार फिर से जनता के बीच जा रहे हैं और कोशिश और प्रयास यही कर रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में एक बार फिर से जीत करके इस विधानसभा का विकास करेंगे। उनसे जुड़ते हैं। अमिताभ जी, बहुत अहम चुनाव था 2017 का, जब मोदी लहर थी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक तरफा जीत कर आई थी, लेकिन उस दौरान भी आप यहां से जीते थे और एक बार फिर से 5 साल बाद आप पूरी रणनीति के तहत अपने कामों को गिनाते हुए जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का प्यार आपको मिल रहा है, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अभी भी कह रहा है कि वो ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज करके एक बार फिर से सरकार बनाएगा। सबसे अहम बात यह है कि आप अब जीतते हैं तो कौन कौन से वो प्रमुख कार्य और बचे हैं जिन पर फोकस किया जाएगा इस विधानसभा के लिए, और दूसरी चीज सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जिस बात को कहा जा रहा है कि 300 प्लस एक बार फिर से हम आएंगे, कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, ये 300 प्लस कह रहे हैं, पहले 325 थे वो, और वो खुद ही 300 प्लस कह रहे हैं, माने ये वो मान रहे हैं कि वो घटने वाले हैं। अब कितना घटने वाले हैं, जब रपटौआ शुरू हो जाता है, जब रपटीली रास्ता पे आए तो कितना नीचे गिरेंगे इसका पता नहीं। कल पश्चिम की पहले राउंड की वोटिंग हो गई और वोटिंग के बाद की जो वहाँ के जो संदेश आए हैं वो ये बता रहे हैं कि हाफ सेंचुरी मार रही समाजवादी पार्टी गठबंधन पहले ही राउंड में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है, हमने तो रिजल्ट उलटने जा रहा है, जैसे जो उनका था वो हमारा होगा, जो हमारा था वो उनका होगा, और ऐसा होना लोकतंत्र में बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश ने खाली बदहाली देखी है। आप बताइए कितनी बढ़ गई महंगाई, कितनी महंगाई बढ़ी, बिजली का रेट क्या हो गया, सरसों का तेल क्या दाम बिका, पेट्रोल क्या दाम हुआ, डीजल का क्या दाम हुआ, तो महंगाई देखी है, महंगाई झेली है, उत्तर प्रदेश ने झेली है बेरोजगारी, कोई नौजवानों के सामने रास्ते उपलब्ध नहीं थे, भर्तियाँ हुई नहीं, जो हुए तो पेपर लीक हुए, कांड पे कांड हुए, बेरोजगारी बहुत बढ़ी, ठेला पटरी रेड़ी दुकानदार का बहुत उत्पीड़न हुआ है, मोटरसाइकिलों के चलान इतने इतने हुए हैं कि मोटरसाइकिल की कीमत ज़्यादा, उसके चलान खड़े हो गए हैं, पुलिस का उत्पीड़न, कानून व्यवस्था का बुरा हाल, कई व्यापारी की हत्या मुख्यमंत्री गृह जिले में, कहीं एक भले परिवार की हत्या लखनऊ की सड़कों पुलिस के द्वारा, कहीं हाथरस की बेटी के साथ अन्याय, रात में जला दी गई लाश, किसानों का आंदोलन, 700 किसान शहीद हुए, 1 साल तक आंदोलन चला। तो ये इतनी बदहाली है, इतनी बदहाली झेली, कोरोना कौन भूल जाएगा, कोविड की लहर, ना दवा थी, ना अस्पताल थे, ना बेड थे, ना ऑक्सीजन था, और तो और मर जाओ तो शमशान कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, लकड़ी नहीं थी, कफन नहीं थे, गंगा में लाशें उतरा रही थी, क्या कोई भूल सकता है ये बदहाली? वो ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर में मौतें कोई भूल सकता है क्या? आप अपना अपने गाल बजाते रहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने को तैयार घूम रही है। और जब से अखिलेश यादव जी घोषणा पत्र आ गया है तब से और बदलाव है। जैसे उन्होंने दर्द को समझा है गरीबों के, कोविड में जब कुछ नहीं चल रहा था, रोजगार नहीं चल रहा था, बेबसी थी, तब भी बिजली का मीटर चल रहा था, इसलिए उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही और 1500 रुपये समाजवादी पेंशन देने की बात कही। फिर उन्होंने पढ़ाई लिखाई के लिए बात करी, नौजवानों को लैपटॉप देने की बात करी, बेटियों को विद्यासन देने की बात करी, केजी से पीजी तक बेटियों की पढ़ाई फ्री करने की बात करी, महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, व्यापारी सुरक्षा आयोग गठन करने की बात करी, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली की बात करी। आप देखिए कितना उत्साह है, किसानों को 15 दिन में भुगतान करने की बात करी है, ये कितना विश्वास जताया है लोगों ने, कितना भरोसा, क्या उमंग है आप लोगों में, जाके देखिए क्षेत्र में, लोग खुश हो गए, पक्का कर रहे हैं, लोग बिजली के फॉर्म भर रहे हैं, लोग समाजवादी पेंशन का पूछ रहे हैं कब से मिलना शुरू हो जाएगी।
तो ये जो उम्मीद जगी है, एक तरफ जो बदहाली झेली लोगों ने और एक तरफ जो उम्मीद जगाई है, इनके बीच में चुनाव है। एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ मोहब्बत है, और हम लोग जानते हैं कि आखिर में जो गरीब की आह होती है वो बहुत बड़ी होती है। अच्छा, बात करी जाए इस विधानसभा की, जहां से आप एक बार फिर से नेतृत्व में हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस विधानसभा में वो कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं जो आपने किए और अब हो सकते हैं आने वाले दिनों में? दूसरी चीज, जहां तक कोविड के दौरान बता किया गया है, तो कोविड के दौरान भी आपने घर घर राशन स्कीम चलाई थी, पानी को लेकर के आपने प्रदर्शन किया था, लोगों को आवास मिल सके उसके लिए आपने प्रदर्शन किया था, तो क्या लखनऊ से सटे हुए कानपुर में सरकार की निगरानी सही तरीके से नहीं हुई थी, सरकार इस पर फोकस नहीं कर रही थी, कुछ कारण था? नहीं, कानपुर पे सरकार का बहुत अच्छा फोकस था, उनके डिप्टी सीएम हफ्ते में एक बार जरूर आते थे। एक बताते हैं, खाली अटैची लेके आते थे, भरी अटैची लेकर भी जाते थे। कानपुर के व्यापारियों को उन्होंने वसूली का अड्डा बना लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार सारे मंत्री जिसको देखो कानपुर आ रहा है, और क्या करने आ रहा है बताते थे, आर नगर की रणनीति बनाने आ रहे हैं। जिसको पूछो आके और आर नगर की रणनीति बनाने आ रहे हैं, लेकिन आते थे वो अटैचियाँ भर भर के अपने दबाव से हमारे व्यापारियों को उत्पीड़न करके लखनऊ की ओर ले जाते थे। तो इसलिए कोई बाकी जो मुद्दे हैं उन पे उनका ध्यान नहीं था। हम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा, पानी की टंकियां 10 साल से छूट खड़ी थी, जेनुअरी परियोजना पूरी नहीं हुई, उसके लिए प्रदर्शन करने पड़े, सीवर लाइनों के लिए झगड़े करने पड़े, पार्कों का सुंदरीकरण हमने कराया, डफरिन में आईसीयू बनवाने के लिए कितना झगड़ा करना पड़ा हमको, धनकुट्टी अस्पताल की कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी हम लोगों को, परमट मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर लगवाने की हमारी योजना थी, कैसे कैसे करके आखिरी में लगवा पाए। तो इस सरकार ने हर काम में, विकास के काम में अवरोध पैदा करने का काम किया, नकारात्मक रवैया रखा, लेकिन कानपुर के व्यापारियों से वसूली करने के लिए इनके डिप्टी सीएम हर हफ्ते कानपुर आते रहे। यहाँ तक कुली बाजार के बेघरों की आपने बात करी, डिप्टी सीएम कह के गए कि इनको आवास दिया जाएगा, पर आवास नहीं दिया गया। तो ये लोग, इन लोगों की निगाह गरीबों पर नहीं थी, योजनाओं पर नहीं थी, पेयजल, सीवर, पार्किंग, जो एलिवेटेड रोड्स, रिंग रोड, ये सब भाषण का हिस्सा रहे, मौके पर नहीं कर पाए। जो मेट्रो परियोजना का शिलान्यास हम लोग कर गए थे उसको भी ये लोग आज तक चालू नहीं कर पाए हैं, उसका बिल्कुल अभी एक चरण किया, जबकि उन्होंने 2016 में उसका DPR पास कर शिलान्यास कर दिया था, करी होती 2018-19 में ही चालू हो गई होती, पर ये लोग कोई ठोस काम नहीं कर पाए। केवल वसूली का केंद्र उन्होंने कानपुर को बना के रखा। जब जब हमने भाषा सुना कि आर नगर रणनीति बना रहे हैं, तो रणनीति के नाम पर खाली हमारे व्यापारी भाइयों को उत्पीड़न करने की रणनीति बनाई है, पर मेरे रहते ये कार्रवाई चल नहीं सकती। हम लोगों ने व्यापारियों का सुरक्षा चक्र बनाया है कि कोई गुंडई, कोई वसूली हमारे क्षेत्र में नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने देखिए प्रत्याशी बदला, रणनीति बनाते रहे, जिसको हमने हराया था उसको उन्होंने MLC बनाया, MLC बना के चुनाव लड़ाया, तो लड़ाते हमारे खिलाफ। अगर डिप्टी सीएम आते, मैं ये कह रहा था सर, अगर डिप्टी सीएम आते हैं तो शायद सड़क के गड्ढे देखने आते हों, गड्ढे वो सीधे नोट गिनने आते थे, वो सीधे उनके पास मशीन लेके आते थे अपनी एक, और एक सूटकेस लेके आते थे, बहुत बिजी रहते थे, सर्किट हाउस से बड़ी मेहनत पड़ती थी उनको, तो सड़कों बारे के समय उनके पास नहीं था। वो हालांकि सड़कों के विभाग के मंत्री थे, पर सड़कों पर उनका कोई ध्यान नहीं था, लेकिन उनका काम भरपूर हुआ, वो खुश हैं, जनता उनको माकूल जवाब देगी। मेरा सवाल ये है कि अगर वो बहुत अच्छा काम कर रही थी सरकार, तो जिसको हमने हराया था उसको उन्होंने MLC बनाया, हारे वालों को MLC बनाया, लड़ने देते एक बार और, पर नहीं, MLC बनाया, तो मुझे लगा शायद वो नहीं लड़ेंगे, पर वो फिर लड़े, पर अब मेरे खिलाफ नहीं लड़े, भाग गए यहाँ से। तो अगर कोई मजबूती थी, कोई काम किया था, तो साहस होता लड़ते मेरे खिलाफ। एक बेचारा मासूम की हत्या करने को मेरे पास भेज दिया, उसकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी, उसको भेज दिया मेरे पास। वो बेचारा वहाँ से कुछ मेहनत कर रहा था, जो उसको यहाँ भेज दिया, जो यहाँ पे दमदार थे वो वहाँ भाग गए, ना जाने क्या रणनीति बनाई। पर ये जरूर है कि उनकी अटैचियाँ मजबूत हुई हैं इस वक्त यहाँ पे। अब आप देखो क्षेत्र में वो तो मैं निकला था तो मुझे जहाँ तक रिस्पांस बेहतर मिला है आपको लेकर के, उनके पास जाति धार्मिक बंटवारे के अलावा और उत्तेजना फैलाने के अलावा, उन्माद फैलाने के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। जब कोविड में हम लोग 60 दिन तक किचन चला रहे थे, तो ये लोग कह रहे थे जान है तो जहान है, और हम लोग कह रहे थे कि जान है तो गरीब आदमी की मुसीबत पर कुर्बान है। तो ये हमारी उनकी सोच का फर्क है। उसी कोविड में हम 13 दिन तक टंकी पर धरने बैठे हुए थे, और ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि नाटक कर रहे हैं। नाटक नहीं कर रहे तो टंकी देखी जाए कि आज 20 फुट पानी भरता है उस टंकी में, आसपास के इलाके को पानी पहुंचता है। हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, गांधीवादी तरीकों में आस्था चाहिए। ये गोडसे को मानने वाले लोग, इनमें कहाँ आस्था है गांधी में, इनमें शांतिपूर्ण आंदोलन ये कर नहीं सकते, ये तो गोडसे के मानने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने जन समस्याओं पर संघर्ष किया है, अपने लोगों की दुख तकलीफ पर हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोगों ने मुसीबत समय मदद करी है, हम लोगों ने विकास कराया है, अखिलेश जी की कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा हो गई है। ये सारी चीज़ें मिला के ऐसा परिणाम आएगा जो योगी जी ने कहा है वही होगा। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव 80-20 है,
और हमको भी लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव 80-20 है, 80% गरीब समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुट्ठी तान के खड़ा हो गया है और 20% अमीर लेकर के योगी जी बैठे रह जाएंगे, 80% सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगी। अच्छा, मैनिफेस्टो की बात आप कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, बीजेपी ने भी उसी दिन कुछ घंटों पहले मैनिफेस्टो लॉन्च किया था। उनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा लगा कि जो उन्होंने पहले कहा था वो पूरा किया और अब कुछ ऐसा नया आ सकता है जो बेहतर हो जाएगा? देखिए, मैनिफेस्टो पर चर्चा करने के पहले हम लोग पीछे जाना होगा। जब 2012 में हमने मैनिफेस्टो जारी किया था तो हमने 5 साल सरकार चलाई उस मैनिफेस्टो को, तो आप पहले उसका आकलन करिए कि हमने कितने परसेंट काम जो लिखे थे वो पूरे किए। और फिर जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इनका संकल्प पत्र आया था तो उसमें कितने काम इन्होंने लिखे थे वो कितने पूरे किए, जब उसकी मार्किंग करेंगे तब आगे का भरोसा कायम होगा। बीजेपी तो पासिंग मार्क्स नहीं ला रही भाई, हमारी तो डिस्टिंक्शन थी, हमने तो 80-90% काम पूरे कर दिए थे। कई काम तो ऐसे भी किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे लखनऊ एक्सप्रेसवे है, मेट्रो है, ये तो ऐसे किए थे जो नहीं थे मेरे मैनिफेस्टो में, फिर भी हम लोगों ने किए थे। और कल्याणकारी योजनाएं तो चलाई थी, इनका मैनिफेस्टो उठा देख लीजिए, इनके 33% जो पासिंग मार्क्स होने चाहिए वो भी नहीं है इनके पास। तो लोगों का जो विश्वास है वो अखिलेश यादव के मैनिफेस्टो पर है कि इसमें जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है। ये जो 2012 का मैनिफेस्टो हमारा आया था तो आप याद करिए, उस दिन जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर नौजवानों ने लाइन लगा ली थी और बेटियों ने इंटर में खुशी खुशी एग्जाम दिया था कि अब हमको लैपटॉप मिलेगा, उनको भरोसा था कि अखिलेश यादव जी ने कह दिया तो ये होगा। यही इस बार है, जब बिजली के बिल और पेंशन की बात आई है तो लोगों ने भरोसा जता लिया ऐसा होगा। सरकारी कर्मचारी से पूछिए आज, ओल्ड वो सीधे इतना कहता है कि हमारा वोट ओल्ड पेंशन स्कीम को है, तो भरोसा है, अखिलेश यादव ने कहा है तो वो होगा, और योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी ने कहा है तो वो नहीं होगा। अच्छा, ये लोग एक बात कह रहे हैं कि हमारा जो राशन वाला मामला चल रहा है वो ज्यादा अच्छा है, गरीबों को राशन मिल रहा है। हम ऐसी नौबती क्यों आने देंगे, हम तो 1500 रुपया महीना पेंशन देंगे, हम अपनी महिलाओं को बहू बेटियों को लाइन में नहीं लगवा सकते? शर्म आती देखे कभी कभी 200 रुपये का राशन देने के लिए झोला पकड़ा दिया मुस्कुराता हुआ, उसके अंदर रखा नमक का पैकेट जो जख्मों पर नमक छिड़कने काम आ रहा है। नवंबर में बंद कर देनी थी स्कीम, चुनाव को देखते हुए खाली मार्च तक खींची, अप्रैल की घोषणा नहीं उनकी कोई। और 200 रुपये का राशन देने के लिए मेरी हमारी बेटियों को बहनों को लाइन में खड़ा करते हैं लोग, मुस्कुराते हुए फोटो लगा कर राशन का झोला देते हैं जिस पर नमक रखते हैं, नमक जख्मों पर नमक लगाता है वो। हम लोग ऐसा अपमानित नहीं होने देंगे। हम जब 1500 रुपये पेंशन देंगे तो उसको घर बैठे सारी सुविधा अपने आप मिल जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, 200 यूनिट में बिजली पंखा बत्ती पंखा चला लेगा, 100 यूनिट में खाना पका लेगा इनका ना, और 2 सिलेंडर भी तो हम दे रहे हैं LPG के, तो हमारे सिलेंडर और बिजली मिला करके उसका खाना भी पक जाएगा, राशन का इंतजाम 1500 रुपये महीने में हो जाएगा। हम इनको जलालत की ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे। इन्होंने जो गरीब को और गरीब बनाया है, ये गरीब बनाया किसने है? आप ही ने छीनी रोजी रोटी, आप ही ने ठेला नहीं लगने दिए, आपने पुलिस डंडे चलवाए, आप ही ने चलान करके पैसा लूटा, आप ही ने पेट्रोल डीजल महंगा किया, आप ही ने बिजली बिल महंगा किया है। ये गरीब बनाने वाले तो आप ही हैं, हम ही से लूट के उसका थोड़ा हिस्सा हमको दे देते हैं और हमको अपने को दान भी बताते हैं। ये दान नहीं है, ये कृपा नहीं कर रहे हैं, ये लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनको सम्मान से जीने का रास्ता दिखाएगी। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई है, मेरा आखिरी सवाल है, फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, ये नतीजे किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनता का रुझान क्या है? मैंने पहले ही कहा चुनाव 80-20 है, 80% समाजवादी पार्टी होगी। अब 80% कितना होता है, 400 का जोड़ लीजिए, हमें लगता है 320-325 के आसपास होता होगा, तो 80% सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगी। और पहले राउंड का जो रुझान है किसान आंदोलन का, वहाँ भारी असर था, तो मुझे लगता है वहाँ तो सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी का तंबू उखड़ गया, इसको कहते हैं हम लोग भाषा में, तो उनका तंबू उखड़ गया वहाँ। अब नल में पानी है, पानी पी के साइकिल लेके निकल चला, और ये जो पंजा वंजा है वो तो केवल रास्ते कीचड़ हटाने का मारा है, वो तो पंजा बेचारा कीचड़ हटा रहा खाली रास्ते से, कमल ना खिलने पावे, फिर आदमी मालूम है कीचड़ नहीं होगा तो कमल नहीं खिलेगा। और कमल पूजा काम आता है, फूल भगवान पे चढ़ाएंगे, लेकिन हम राम नाम सत्य नहीं कराएंगे, हम लोग खुशहाली के रास्ते पर लेकर के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे अमिताभ वाजपेयी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 80-20 है, 80 समाजवादी पार्टी के साथ और 20 जो है वो बीजेपी के साथ, और यही नतीजे 10 मार्च को आएंगे, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि विकास के पथ पर समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो भी है और बीते कार्यकाल भी रहे हैं जब उन्होंने 5 साल अपने उत्तर प्रदेश में बिताए थे अखिलेश यादव के नेतृत्व में। अब देखना ही होगा कि नतीजे क्या आते हैं, लेकिन जिस तरह से आर्यनगर विधानसभा सीट के समीकरण की बात करी जाए तो यहां पर समीकरण कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, और अब देखना ही होगा कि नतीजे आने के बाद क्या रुझान आता है और उत्तर प्रदेश में आखिर काबिज कौन होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रितिन, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।